सोचा कि GoPro यूज़ करके देखता हूँ। थोड़ा हेयर कट बेकार हो गया इस टाइम, बेकार नहीं मेरे ख्याल से तो अच्छा ही है, पर अभी दिखा नहीं सकता। बाय द वे मैंने कुछ एक अच्छी चीज़ ली है, ये साइकिल ली है। आज काफ़ी बारिश गिर रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छे से व्लॉग बनाया जाए, GoPro की भी टेस्ट हो जाएगी और साइकिल की भी हो जाएगी ना, मतलब साइकिल बहुत टाइम के बाद चला रहा हूँ, कम से कम 10 साल हो गए। गोरा ही है, देखते हैं अभी वो चालू रहेगा तो उधर लेके जाएंगे साइकिल, लेट्स गो। और बाकी ये हाथ पे देखो क्या किया है मैंने, तो यहाँ पे मैं अटैच करने वाला हूँ GoPro। टिकट निकाल के तो क्रॉस कर लिए, पर अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि फॉग हो रहा है, मतलब जो गॉगल है ना पूरा फॉग हो रहा है, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। इसमें तो बहुत फॉग हो रहा है, चले चप्पा निकाल दिया। बाकी बाजू है ना पार्किंग है असल वर्ड का, बस जा रही है वरना दिखा देता था। अभी थोड़ा क्लियर हो गया, इतने टाइम से पॉप कर रहा था। इस हाथ पे टैटू है तो शायद ये हाथ पे लगा देता हूँ, क्योंकि ये हाथ से थोड़ा अच्छा सा शॉट मिलेगा मेरे ख्याल से। तो अभी लगा के देखते हैं, बस ये हाथ पे तो लगा दिया। अभी इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कुछ इस तरह आएगा, मतलब इस पर थोड़ा टैटू वगैरह, तो मुझे लगा थोड़ा अच्छा लगेगा इसके लिए मैंने ये किया। बाकी थोड़ा अंधेरा होने के पहले बीच पे पहुँचना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ साइकिल के बारे में और क्या। और बारिश में थोड़ा भीग रहा हूँ, जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई। पानी में इसके लिए जा रहा हूँ ताकि कोई गाड़ी आके उड़ाए, फ्लैश करे, बस यही चाह रहा हूँ। अभी जाते ही यहाँ से लेफ्ट आके घोड़ा ही आएगा। एक 360 दे दिया आपको। अभी थोड़ा बाइक के बारे में भी बता देता हूँ, बाइक क्यों ली कैसे ली, थोड़ा मैं एंजॉय भी कर लेता हूँ। जो सीन है ना अभी आपको मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता, मैं एक्चुअली वेव्स के बीच में ये कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ और बारिश भी गिर रही है। थकने को हो रहा है क्योंकि ये जो सैंड है ना वो थोड़ी सॉफ्ट है, मतलब टायर फंस रहे तो मुझे थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है पैडलिंग पे, चैनल कुछ तो बोलते हैं इसको। बाकी ये मॉडल जो है ना आप देख सकते हैं मेटा करके, और ये 29 लिखा है। ये MTB है, MTB मतलब माउंटेन बाइक है, और इधर कुछ लिखा है एंजॉय द एक्साइटमेंट ऑफ स्पोर्ट। बाकी कुछ दिखने में ऐसी है, मेरे मोस्ट ऑफ ऑल आपने रिव्यू देख रहे हैं जिसका भी मैंने बनाया, पॉकेट 2 का कैमरा का बनाया, सोनी का अल्फा का बनाया, और भी बहुत सारे ऐसे कैमरा का मैंने रिव्यू किया है, फिर चेयर का किया, बहुत सारी चीज़ में जो लेते रहता हूँ उसका रिव्यू करते रहता हूँ, बट वो रिव्यू मैं घर पे नहीं करता हूँ। मेरा चैनल है वंडरलस्ट विद एमएम, मतलब घूमना है तो रिव्यू भी मैं इसी तरह करता हूँ घूम के। तो ये कुछ ऐसा मैं रिव्यू करने के लिए बाहर लेके आया, और आज परफेक्ट डे था, मतलब बारिश भी गिर रही थी और साइकिल चलाने का भी मूड हो रहा। 29 इंच का रहेगा ये लोगो जो 29 लिखा है, 29 इंच, मतलब आप देख सकते हो दो चार साइज़ आती है साइकिल्स में, जैसे कि कुछ 26 रहता है, 29 रहता है और उससे भी छोटी रहती है। तो 26 जो रहती है, एक मिनट, जो 26 रहती है वो मीडियम साइज़ की रहती है, उसके नीचे बच्चे लोग का साइज़ आता है, और फिर ये जो मैंने लिए वो 29 एडल्ट, प्रॉपर एडल्ट की है, मतलब लंबे हाइट किसी का रहेगा। तो अभी इतना तो मेरा हाइट नहीं है बट ठीक है, चलाने को मुझे कंफर्टेबल होता है, कभी कभी मैं सीट भी ऊपर कर लेता हूँ नीचे कर लेता हूँ। गियर सिस्टम बताऊँ तो 7 इधर है और इधर 3 है, शिमानो ब्रांड है जो फेमस है गियर के लिए, और यहाँ पे जो 7 गियर्स है और यहाँ पे 3 है, तो ऐसे टोटल पता नहीं कैसे गिनते गियर्स को साइकिल के, बट यहाँ पे 7 और 3 है, 8, 9, 10 पता नहीं। दोनों साइड डिस्क ब्रेक भी है, बहुत अच्छी साइकिल है। बाकी मुझे मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, मैंने बाइक भी ब्लैक ही ली है, तो बाइक के बाजू में खड़ी करता हूँ इसको, तो बहुत मस्त लगती है। अबे साला ये क्या हो रहा है,
तो ये एक्चुअली नया बाइक नहीं है, तो ये मैंने OLX से लिया था और काफ़ी अच्छे डील्स में मिल गया नया। अगर आपको ब्रांड न्यू लेना है तो इसका कुछ प्राइस है 16,000 के आसपास रहेगा, जो ऑनलाइन और इसका स्टोर का प्राइस है। जिस मैडम के पास था उन्होंने ही बताया कि ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, और एक्चुअली लगता नहीं है ज़्यादा यूज़ किया है इसको, क्योंकि उन्होंने बताया कि 6 मंथ हो गए और एक दो मंथ हार्डली यूज़ किया उन्होंने। तो ठीक है, बस इतने में अच्छी डील मिल गई मुझे। और क्या बताओ यार, ओवल बिकने का ये इसका भी रिव्यू कर देता हूँ, ये 50 रुपये का लिया स्टेशन पे। नहीं पाती थी, चप्पल पे रखी थी साइकिल, तो सिनेमैटिक्स पे भी आ गए रहेगी चप्पल, तो अभी जान लो। बाकी ये अपना महंगा ब्रांड है, नाइकी का लिया मैंने चप्पल। वैसे शूज़ पहनते, मेरे एक फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था शूज़ पहनने के लिए, बट देखो मैं ऐसे काम करता हूँ बारिश में भीगने का, मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है, तो बस यही चीज़ है, इसके लिए मैं ऐसे सैंडल पहनता हूँ। बाकी सेफ्टी के लिए आपको पहनना चाहिए शूज़। थोड़ा पैर गंदा हो गया तो अभी थोड़ा भिगा के आता हूँ, और ये थोड़ा मैंने अलग एंगल सेट किया है, ये कैसा लग रहा है आप देख लो, मतलब इन फ्यूचर में भी ऐसे मतलब बाइक पे भी यूज़ कर सकता हूँ ये वाला एंगल, तो जुगाड़ टाइप मैंने कुछ किया है। बारिश में आके चाय नहीं पिया, ऐसे कैसे हो सकते। सामने एक दिख रहा है, जाके चाय पी लेते। तो इंस्टाग्राम का जो भी लिंक रहेगा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उधर जाके फॉलो करो, बेल आइकन दबा दो यार, बहुत लोग ऐसे जो है सब्सक्राइब है वीडियो नहीं देख रहे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे बटन आपको नीचे मिल जाएंगे, और चलो मिलता हूँ भी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।